Look at this, guys. Look at the khoobsurat nazara. Video banako badi. Aap dekh sakte hain yahan par khet, matlab bari hai, yahan par makai laga hua hai aur aage ka view kuch is tarah se hai. Okay, good morning guys. Transit Delay Sewaro Phefulo Namaste. This is your Darshan Thamang and once again welcome back to my YouTube channel Darshan Vlogs. So guys, abhi main yahan par जो हमारे नानी माँ का बड़ी बहन है, हम कहते हैं ठुलिया माँ, तो ठुलिया माँ के खेत में आए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं की कौन बात कर रहे हैं मई. ओके, तो नानी माँ यहाँ पर ये जो है मकई लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नानी माँ ने बहुत सारे आलू निकाला है यहाँ से. ये ऑर्गेनिक फ्रेश आलू है, पहाड़ी आलू जो पहाड़ में उगता है ना, ये बहुत टेस्टी होता है गाइस. ओके दिस, अब इसको धो के पकाना है. यूज किया रे शक्करखंडा. ओके, ये हम नेपाली में शक्करखंडा बोलते हैं, इंग्लिश में लाइक ये है स्वीट पोटैटो. आप लोगों को पता है ना स्वीट पोटैटो क्या है, तो ये शक्करखंडा है. शक्करे हम शक्करे भी बोलते हैं. और इसको यहाँ पर लगाएंगे नानी माँ. ये देखिए यहाँ पर आलू ऐसा मिलता है यहाँ पर. अब भोली पर खुनेर देखा, खुनेर बहुत सारा लगाया ऑलरेडी. देखिए यहाँ पर नीचे और ये मकई अभी नहीं हुआ है. मकई कहले हो मकई अब एक महीना. ओके, एक महीने बाद ये मकई भी रेडी हो जाएगा. और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा है, यहाँ पर ये देखिए छोटा छोटा मकई रेडी हो गया. ये सक्करे चाहिँ कहले हुन्छ? और ये जो स्वीट पोटैटो है ना, ये विंटर्स में उगता है और अभी इसको लगाने का टाइम है, सीजन है. और विंटर्स में ये अच्छा एक स्वीट पोटैटो बन के निकल आएगा, तब मैं आप लोगों को शायद ब्लॉग में दिखाऊंगा फिर से. देखिए नीचे बहुत सारा मकई है. हाँ, देखिए गाइस, दिखने में नानी माँ जैसा है ना फेस एग्जैक्टली, लेकिन नानी माँ का बड़ी बहन है, हम ठुलिया माँ कहते हैं. ठुलिया माँ तो बैग में क्या फोन फोन देखो ना. नानी माँ खेत में भी फोन कैरी करता है ठुलिया माँ. कौन सा फोन है? ओ ये देखिए नोकिया. सिम छैन किन नभएको? भाइलाई हाल्दैछु नि त त्यो राख्नु. लङ्का पिँडालु भन्छ उसको दिल दिलको. ओके, लुक एट दिस गाइस, ये इस्कुस है यहाँ पर. और ये इस्कुस का जो बर्ड्स, मतलब हम इसको इस्कुस को मुंटा एक सब्जी बना के खाते हैं ना, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं रोज़. तो यहाँ पर है नानी माँ ठुलिया माँ, और हमें यहाँ से कलेक्ट करके हमारे घर में भेजती है. और जब मकई का सीज़न हो जाएगा ना, तब भी ठुलिया माँ हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक साग सब्जियाँ हम लोग को खाने को मिलता है, क्योंकि नानी माँ इतना मेहनत करती है. हमारे घर में तो खेत नहीं है ज़्यादा, तो नानी माँ के पूरा ऐसा है. तो नानी माँ खुद यहाँ पर काम करती है और इवन विलेज में सब लोगों को बांटती है. ऐसे मतलब सेल नहीं करता है, खुद खाता है और दूसरों को बांटता है. और ऐसा है कुछ के टिप दिन. तो इस कुछ का मुंटा अभी नानी माँ हमारे लिए मकई बन रेडी उधर दया में. ओके, मकई भी रेडी हो रहा है अभी, आफ्टर वन मंथ अच्छा पक जाएगा ये मकई. ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा हो गया है. देखिए मकई तो नानी माँ से भी बड़ा बड़ा हो गया है. पर ओ
जितने भी साग सब्जी होता है ना, मतलब हमेशा नानी माँ हमारे घर में बेचती है मम्मी जी के लिए, और मम्मी जी भी बहुत हेल्प करती है नानी माँ को, ऐसा है। अच्छा ये देखिए नीचे भी बहुत है खेत, अर्को खाले मकै यो यत्रो यत्रो हुन्छ दाना, यो ढिलो पाक्छ। ओके खर दान छ ये दुसरे ब्रिड का मकै है, ये देखिए बहुत लम्बा लम्बा है ना, ये दुसरे ब्रिड का है, और ये दुसरे ये पहाडै मकै है ना, यो चाहिँ यो चाहिँ अर्को हो, यो अर्कै हो प्लेन्सको पहाडको, यो नेपालको नेपालको यो चाहिँ हाम्रो यताको। ओके यो नबिल्ले उता उसको साथीहरूको कुलकोबाट ल्याएको हो, आलु बोट मऱ्यो जम्मै। देखि गाइस बहुत सारा मकै लग रहा है अभी यहाँ पर। इस्कुस का मुंटा तो जहाँ पर भी है, ये देखिए बहुत सारे इस्कुस लगाए हैं नानी माने। इस्कुस तो फलेक्छ ना अभी ढिलो फल्छ नि यो, अभी इस्कुस का मुंटा खाने का सीजन है ना। ये देखिए गाइस कितना फ्रेश सब्जी खाने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ हमारे ठुली आमा। और गाइस नानी माँ को भी मैं कभी कभी ऐसे हेल्प करता हूँ, कभी कभी गिफ्ट ला के देता हूँ। अभी तो लॉकडाउन है ना, ऊपर से मैं कुछ नहीं ले सकता, अभी टाउन पूरा बंद है तो शायद कुछ। ओ ये देखिए इतना मुंटा हो रहा है, इतना सब्जी कलेक्ट कर दिया मेरे लिए। सांपरा ये है पिंडालू, ये सांपरा इसका सब्जी खाते हैं हम लोग। निचले वाले अभी सेक्शन पे हम जा रहे हैं, और देखिए बहुत सारी सारा इस्कुस का प्लांट है। और जो यंग यंग बर्ड्स होता है ना इस्कुस का, वो हम खाते हैं, और बहुत ही टेस्टी, और ये बहुत अच्छा भी है, प्रोटीन होता है बहुत सारे इसमें। हाँ थैंक यू नानी माँ ठुली आमा। यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ देखिए, यहाँ पर सीबी है, मकई है, इस्कुस है, पिंडालू है, शक्करे है, चुच्चे करेला, चुच्चे करेला यहाँ पर मिलता है, छोटा छोटा करेला जैसा होता है। ओके गाइस यहाँ पर नानी माँ का बकरिया भी है, हमारे दादी नानी माँ का बकरिया भी है, ठुलिया माँ का। देखिए कितना है, एक दो तीन चार। हेलो बकरिया गुड मॉर्निंग, मुंटा मत खाना मेरा ठीक है, ये सब्जी के लिए, आप ये घास खाओ एक मिनट। देखो देखो कितने अच्छे तरीके से खाते हैं ना, ला ये तबले लेकर आम घास, ये खुद नानी माँ कैरी करके लेके आए, ये जो घास है ना बकरियों के लिए, यहाँ पर जो जंगल है वहाँ से काट के लाना पड़ता है। तो आप लोग पूछते हैं ना मतलब विलेज लाइफ कितना सुंदर है अच्छा है, उतना ही मैंने बोला ना हार्ड वर्किंग एडवेंचर और चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन एक तरीके से देखा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस जो है ना बहुत अच्छा होता है, ऐसे ऑर्गेनिक फ्रेश सब्जियाँ खाने को मिलता है। देखिए
तो छोटा छोटा बच्चा भी है यहाँ पर। हेलो, देखिए गाइस मौसम कितना अच्छा है ना, अभी नीचे पूरा फॉग लगा हुआ है। लुक एट दिस, ओह माय गॉड। अभी मैं ये सब्जी लेके मम्मी को दूंगा। हाँ, चिम्पिंग। ओ ये प्लांट है, इसको हम बोलते हैं चिम्पिंग। देखिए इसका हम सब्जी मतलब अचार चटनी भी बना के खाते हैं, लेकिन ये एक दवाई भी है, इसको मेडिसिन के भी हम यूज़ करते हैं। ये की को दवाई हमें ओके, ये गैस्ट्रिक का भी दवाई है और पेट दर्द होता है ना, सब भी हम इसको खाते हैं एज अ मेडिसिन। ऐसा होता है चिम्पिंग, ये तो बुंदर से था ही चिम्पिंग था। अब ये लाइट रखने वाले हैं, यो छा रहे हैं भाई, नमी इतनी ना तेरा हाँ सब बाव जो बस फर्सी ना हिजम, फर्सी बात में हिजम ना। अब एक दिन फिर क्या फिर भरता ही गुड मर्निंग बडी, हेर्नुस् त दामी मुन्टा पाए मैले, दामी पाछ्यौ आमी छोरा, दामी पाइस लाई आमी को मेहनत को फल। और ये है हमारे ठुली आमा का किचन, ये देखिए गाइस ठुली आमा का किचन भी हमारे नानी माँ का किचन जैसा है। और क्योंकि नानी माँ और ठुली माँ तो एक ही मतलब लाइक अ ट्विंस नो, लाइट जलाइए ना। हाँ अच्छा है, और देखिए नानीमा का जैसा एग्जैक्टली सेम करता है, यहाँ पर लकड़ियाँ है, चूल्हा है, पानी दिनता हमें ता दो। देखिए ये कितनी कितना अच्छा है ना गाइस डिज़ाइन, और बर्तन भी बहुत साफ सुथरा रखती है। थैंक यू भाइ जी, अब के खान्छस्? पानी खा आमा बुझु घरमा हात पानी खाइदि। ठुली आमाको हातका पानी भी मिठा होता है। तिमी आन्छौ तिम्रो आँखा फुटफुन्दैछ क्या? उता टालेको होइन, आफै टालेको ए अब सकेर देखिए गाइस यहाँ पर ये बर्तन में ना मटकी लगा हुआ है, ये आउटर लेयर जो है ना, ये देखिए मटकी है, ताकि यहाँ पर जब आग जलेगा ना तो ये बर्तन काला नहीं होगा, ये मिट्टी धोने के बाद साफ हो जाएगा, इसलिए लगाया है। और ये है कुछ यहाँ पर सुखाया है, ये लकड़ियाँ। और गाइस डोको डोको के अंदर क्या है? नामलो, नामलो है, हंसा है। नमस्ते भन्यो नि सबैजना, नमस्ते सबैजनालाई, तपाईँले पनि भन्नु त नमस्ते सबैजनालाई आशीर्वाद। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ठुली आमाको बहुत सारे यहाँ पर ये है, और ये इसमें बहुत सारे मसाला है, हल्दी है, दाल है, ये क्या है, मिर्ची है, मिर्ची पाउडर, यो चाहिँ के हो आमै? बिजन हो हैन? तिल हैन? तिल, तिल कालो तिल है हैन? यो करेलाको यो करेला, करेला अघि मैले खोल्नु त, खोल्नु न अचार खानु, खोल्नु न के गर्ने हो? अचार खानु ए, ये करेलाको बिउ ओके ओके, रोप्ने त्यही हो तर यो बेसी भएको अचार, अचार खानेको ले ओके ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मसाला, ये है सनराइज मसाला, ये क्या है, छोला मसाला, चिकन करी, मीट मसाला, बहुत सारे चिकन करी है, नानी माँ चिकन खाता है बहुत, सब्जी सब्जी मसाला, ये भी सब्जी मसाला है। और इसके अंदर है चना, देखिए ऐसे सजा के रखना है ना। सूखा खोर्सानी दिखा दी, सूखा खोर्सानी। देखिए गाइस ठुली आमा के पास सब कुछ है यहाँ पर, ये है टमाटो, टमाटर देखिए यहाँ पर भी है,
फूल भर्खर त फल्दैछ तर दामी भएछ नि आमा यहाँ रहेछ स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी छैन स्ट्रबेरी यहाँ छ त स्ट्रबेरी यदि गाइस बहुत सारे खाएछ. A few moments later. 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से खेतों में बारी में आए हम यहाँ पर और नानी माँ यहाँ पर फिर से कंटिन्यू काम कर रही है. देखिए और ये है सयपत्री है भैया मेरी गोल्ड का ये फूल है. अभी ये फूल नहीं फूला है अब फूल फूलने वाला है. ये फूल दिवाली में दशहरा और दिवाली के टाइम में ये फूल आएगा ना. हम इसको बोलते हैं सयपत्री. हिंदी में गेंदा फूल बोलते हैं शायद मेरी गोल्ड. ओके गाइज अभी लॉकडाउन है टाउन में नहीं जा सकते. अगर लॉकडाउन खुलता तो मैं नानी माँ के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है जैसे कि लूंगे स्वेटर वगैरह नॉर्मल ड्रेस में लेके आता हूँ. ये देखिए आलू निकल आया है. आलू ये देखिए गाइस आलू बहुत सारे आलू है बहुत टेस्टी होता है यार. नानी माँ यहाँ पर आलू ले जा रही है लंच के लिए. इसको धो के पका के खाना. ये तो ढूंढा रहे लगे को भाई इस पर अर्को जगह रोप देख पुर्सानी हुन्छ त अन्त बाहिर हो ए आज घाम लागेको देखेर चाहिँ. और गाइस नानी माँ के लिए कुछ दूंगा मैं अभी. उतना ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी. और ज़्यादातर गाइस मैं व्लॉग में नहीं दिखाता हूँ. व्लॉग में मैं अक्सर नहीं दिखाता हूँ मैं जो कुछ भी देता हूँ लेकिन कभी कभी दिखाना भी पड़ता है कि आप लोग सोचते हैं कि मैं नानी माँ को सिर्फ ऐसे सब्जियाँ लेके जा रहा हूँ है ना. तो हाँ मई लिनो नाते को बड़ा ला ये नानी माँ के लिए. आप जो खरीदना है वो खरीद के लेना ना ठीक है. अभी लॉकडाउन है ना गाइस तो मार्केट में नहीं जा सकते हम लोग. नहीं तो मैं ऊपर से नानी माँ के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता लेकिन अभी सब बंद है. और ये हमारे जो नानी माँ है ना गाना गाने वाली उसके बड़ी बहन है हम ठुलिया माँ बोलते हैं. और नानी माँ के लिए मैं एवरी मंथ बजट रख के नानी माँ को देता हूँ और ठुलिया माँ को भी कभी कभी देता हूँ. एवरी मंथ तो नहीं देता लेकिन कभी कभी देता हूँ लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि नानी माँ के वजह से हमारे ठुलिया माँ के वजह से हम लोग ऐसे साग सब्जी खाने को मिलता है फ्रेश एंड ऑर्गेनिक. देखिए मकई इतना मतलब इतने एज में भी काम करती है. कति वर्ष पुग्नु भयो मई म अब 72 72 73 अब भइसक्दैछ लागिमा ओके 73 चल्दैछ यसलाई किन उयो गरिरहनु यो. और नानी और ठुल्यामाको बहुत पसन्द है ना ऐसे खेत में काम करना सब्जियाँ उगाना. इसलिए हमेशा फ्री टाइम में अगर तुलियामा को ढूंढना हो तो खेत में ही मिलेगा आपको. देखिए कितने अच्छी तरीके से लगाया ना साफ भी हो गया और ये मकई भी अच्छा हो गया. लामी काम करते गुण मको को ला ओके बाय 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 भन्नु त हात देखाउनु त. देखिए गाइस बाय बाय करने से हाथ बहुत मिट्टी से हो गया मिट्टी मिट्टी हो गया. ठीक है अभी आप लोगों को कुछ मतलब नेक्स्ट मंथ आप लोगों को दिखाऊंगा मकई लेके फिर से है ना. लो
गई ला मै ओके गाइस यहाँ पर कुछ फल है, हम इसको आरुचा बोलते हैं और आपको सिर्फ दिखाऊंगा कैसा होता है। यहाँ पर है ना एक हाँ, वो यहाँ पे भी है एक और वहाँ पे भी है और ये यहाँ पर बहुत ऐसा है ना खराब है रास्ता गाइस यहाँ रहता है लड़ाई। ये देखिए गाइस यहाँ पर है एक सामने है वो इस हाँ ये टिपुम दामी आरुचा एउटा देखो गाइस ये अभी लकड़ी लेके जा रही है बिस्तारी हाँ झर्ने भर हाँ हाँ तो ठूल बड़े जान भेट्यो हाँ गिर गया गिर गया भाई 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 छोड़ दे हाँ छोड़ दे छोड़ दो ना यार देखो ये देखिए गाइस बहुत सारे गिर गए एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गया भाई भाई छोड़ दे हो गया इतना हो गया देखो आरुचा चुराने वाला ये है भाई विजेता फिर पाँच है खोल तो भाई ए बहनी अलिकति ये देखिए गाइस इसको धोके खाना है थोड़ा सा को बाँट दूंगा मैं ये देखो ले इन्जॉय करो पार्टी करो ठीक है पार्टी करो तू भी पार्टी करो ले पार्टी करो कैच करो आरुचा खाने को जाना आरुचा आलू पनि देखाउनु न ठुलो भनेको यत्रो हुन्छ अर्को जग्गा रोप्दै हुन्छ त बाहिर हो इस्कुस का प्लांट है मुई ता खाने भन्नु जो यो म आउँछु त टिक्नु नगर्न